मैं एसपी सर से, डीसी सर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अभी क्या है सो हम ना पूरा इंसाफ देना, इंसाफ दिलाना हमारे भाई के असर, और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाना। स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में, मैं आपके साथ सुफियान। कल जिलानी हॉस्पिटल में हमारे भाई को झगड़े झगड़े को मारे थे छोरन था, वहाँ से उसे हॉस्पिटल को ले गए थे, टाके भाई 5-6 टाके पड़े सिर में और हाथ को वो सब मारे थे। मारने के बाद में उन्हें मुझे फ़ोन लगाया, ऐसा झगड़े में मुझे मारे हैं, हॉस्पिटल में हूँ। कहीं मैं उधर गया, गए घड़ी को एक हॉस्पिटल में टाके भाई से 10 मिनट छोड़ को ऐसे मैं फ़ोन में बात करते भाई ठहरा था, उधर से पूरे छोरंदा एक नहीं बोले तो एक 15-18 से 20 जना हाँ को पहला आज देर नहीं क्या नहीं मुझे मारने का चालू करे हक्या सी वो वैसे मार को क्या करे सीधा अंदर गए हमारे भाई पास। हमारे भाई पास जाने के वास्तव बानी उन्हें हमारे भाई क्या करे बाहर गया पीछे गेट से नाट को बाहर गया उसके पीछे मई गया छोरंदा पूरे पूरे तलवार चाकुआ बीज बैट क्या क्या लेकर आए थे वो ले उसे पीछे लग को पूरा अंकल कॉर्नर तक गए वहाँ गए तो घड़ी को उसे वहाँ सापड़े घड़ी वहाँ मार को डेथ पे उसको डेथ। उनके नामा क्या मालूम क्या नामा? एक साजिद और उसके दो भांजन था और एक तौशीफ कर गए और उनके संगठ एक टोटल 1820 जना आते। कई के बारे में झगड़े क्या? ये झगड़े क्या दोपहर में पहला क्या हुए थे क्या नहीं मालूम नहीं, मुझे खाली उसे टाके बाते इस टाइम फ़ोन लगाने गया था मैं। तुम्हें क्या भी मालूम है ये झगड़े पहले का क्या भी मालूम नहीं रहता गया इन्हें जरा पहला हैदराबाद दास संगठ फिरता था वो दुश्मनी कार्ड को इसे मारे हूँ हाँ शेख मोदी के शेख मोदी के सुरंदर हाँ वो उन्होंने आको इसे मारे। फिर इससे पहले क्या भी तुमने क्या भी झगड़े तकरार क्या भी नहीं थे? ये कल का इशू है हाँ कल का से। फिर ये इससे पहले झगड़े कहाँ हुए थे? इससे पहले झगड़े जिले गली में थे हाँ वहाँ तो भाई को मार लगे हाँ हमारे भाई को मारे थे पूरा शीर गिर फोड़े हैं सो फोड़े थे वो जो वहाँ फोड़ने की वजह से भी यहाँ दवाखाने को लगाए थे यहाँ जिलानी हॉस्पिटल में हाँ वहाँ ले गए थे डायरेक्ट हॉस्पिटल में से आया छोरंदा हॉस्पिटल में जो हाँ पूरे पूरे हॉस्पिटल में आए और आए देर ने गेट में पहला मजे से मारे बीज बैट से मारे इधर हाथ को पूरा बीज बैट एक में दो हो को टुकड़े हो पड़ी हो पता हाथ में उनको रोकने की कोशिश कर फिर भी क्या है उन्होंने बहुत जना मैं अकेला हुआ आटाप नहीं खाने लगे हमारे भाई को बाहर से भेजे के बाद उधर बाहर जाओ ऐसा कर छोड़े वो बीज बैट से कौन मारे तुमने नाम मालूम है? एक साजिद हत्या और दो जना सामने आते से मारते थे फिर उसके बाद और भाई कहाँ पीछे हाँ पीछे गेट से भाग को गया उनको मालूम पड़ेगा ना पीछे भाग को हाँ उसके पीछे लगे पूरे 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 के पूरे जना उसके पीछे से जैसा कि उन्हें वहाँ अंकल कॉर्नर के नहीं जा को चक्कर आया वहाँ क्या उसे पकड़े वहाँ पूरे पूरे ऐसा मारने चालू करे बहुत मारे पीछे गया पान में जाने के बाद ही देखा हम ये पहले जब झगड़े हुए थे सिर फोड़े थे तो कंप्लेंट नहीं देखा था जब नहीं इधर ही जो हॉस्पिटल में बोले थे हम कंप्लेंट नहीं देते कंप्लेंट नहीं देते हम डायरेक्ट हॉस्पिटल को लगाए थे उनको कौन बोले यहाँ हॉस्पिटल में तुम्हें अब मैं हमने कैसा मालूम मुझे मालूम नहीं आता वो चाह को 10 मिनट हुआ था मैं हॉस्पिटल को क्या तुम्हारे भाई का नाम क्या बंदे नमाज जमादार और उसे सब जना रजीन कहते हैं हाँ नाम उसका बंदे नमाज जमादार है उसे सब जना जो रजीन कहते हैं घर का घर हमारा एक से पेटी बोड़ी पुआ वहाँ से छोड़ कर आको तकिया में है उसे तकिया में रखे हैं एक साल डेढ़ साल से ये क्या भैया तुम्हारी शादी हुई क्या? हाँ शादी हुई एक 4 महीने का बच्चा है उसे लड़का अभी क्या चाहते हैं आप अभी क्या नहीं
मैं एसपी सर से डीसी सर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अभी क्या है तो हम ना पूरा इंसाफ देना, इंसाफ दिलाना हमारे भाई के असर, और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाना। ऐसा बहुत से बहुत हो रहा, आप इनको ढील छोड़ने के वास्ते बान भी आते हैं, भी किसी भी एक नौजवान को भी किसे मारते हैं, ऐसा बहुत हो रहा। हमारे जैसे लोग कहाँ जाना गरीबा। ये आप क्या लगते हैं? मैं उनका बड़ा भाई। क्या तुम्हारा नाम? फारूक जमादार। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 999 और 8050 8287 93। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.